हेलो स्टूडेंट, मैं शान सर और आप देख रहे हैं शान सर कंप्यूटर क्लासेस। तो दोस्तों, आज का हमारा दूसरा वीडियो है एमएस वर्ड का। तो दोस्तों, आज हम एमएस वर्ड में ऑफिस मेनू बटन के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है, अच्छी लग रही है, तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। तो दोस्तों, आज फिर से मैं उपस्थित हूँ एमएस ऑफिस 2007 के नोट्स थ्योरी एंड प्रैक्टिकल क्लासेस में। तो दोस्तों, चलते हैं सबसे पहले प्रैक्टिकल में। तो आप डेस्कटॉप पे देख रहे हैं पीडीएफ फाइल्स हैं, और पीडीएफ फाइल्स में आज की जो क्लास होगी वो होगी एमएस ऑफिस के बारे में। तो दोस्तों, आज जो हमारा क्लास है, हाउ टू यूज ऑफिस मेनू बटन, हम लोग आज ऑफिस मेनू बटन का यूज करना सीखेंगे। तो दोस्तों, ऑफिस मेनू बटन में सम बेसिक्स ऑप्शंस ऑफिस मेनू बटन आर बिलो। ऑफिस मेनू बटन में कुछ ऑप्शंस होती है जो नीचे दी गई है। नंबर वन, न्यू, ओपन, सेव, सेवेंस, प्रिंट, प्रिपेयर, सेंड, पब्लिश, क्लोज, वर्ड ऑप्शंस एंड एग्जिट वर्ड। तो दोस्तों, आज जो है हम इन सारे ऑप्शंस के विषय में आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहला चलते हैं नंबर वन, न्यू ऑप्शंस। हाउ टू क्रिएट ए न्यू फाइल इन एमएस वर्ड, हम लोग आज एमएस वर्ड में नया डॉक्यूमेंट्स या नया फाइल्स कैसे क्रिएट करते हैं वो देखेंगे। तो हाउ टू क्रिएट ए न्यू फाइल इन एमएस वर्ड। सबसे पहला आप क्या करें, गो टू ऑफिस मेनू बटन। ऑफिस मेनू बटन में चले जाएं, वहां पे क्लिक ऑन करें, उसके बाद क्लिक ऑन न्यू ऑप्शंस। न्यू ऑप्शंस पे क्लिक करें, और जैसे आप क्लिक ऑन करेंगे न्यू ऑप्शंस में, तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स डायलॉग बॉक्स विल बी अपेयर। आपके ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स डायलॉग बॉक्स विल बी अपेयर खुल जाएगी। उसके बाद आपको करना है सिलेक्ट इट ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स। ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स को सिलेक्ट करना है, गो टू राइट साइड क्रिएट बटन होगी, वहां पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो न्यू डॉक्यूमेंट्स विल बी क्रिएटेड, आपकी न्यू डॉक्यूमेंट्स क्रिएट हो जाएगी। तो दोस्तों, जैसे आज मैंने न्यू ऑप्शंस के विषय बताया, तो चले चलते हैं प्रैक्टिकल करके भी आपको साथ ही साथ दिखाते रहे हैं। सबसे पहले आप क्या करें, एमएस वर्ड को ओपन कर ले। ओपन करने के बाद ऑफिस मेनू के अंदर क्लिक करें, और आप देखेंगे सबसे पहले न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, प्रिपेयर, सेंड, पब्लिश एंड क्लोज वर्ड ऑप्शन एंड एग्जिट ऑप्शन है। तो इनमें से सबसे पहला ऑप्शन मैंने न्यू ऑप्शन का, तो न्यू ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे क्लिक करेंगे, और राइट साइड पे यहाँ पे क्रिएट ऑप्शन होगी, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपकी न्यू पेज विल बी अपीयर, आपका नया पेज खुल जाएगी। तो दोस्तों, अब चलते हैं दूसरे नंबर पे, ओपन ऑप्शंस। हाउ टू ओपन ए फाइल इन एमएस वर्ड, अगर आपकी किसी प्रकार की फाइल अगर एमएस वर्ड में बनी हुई है तो उस फाइल्स को हम लोग कैसे ओपन करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, गो टू ऑफिस मेनू बटन। गो टू ऑफिस मेनू बटन पे जाएं, वहां पे क्लिक ऑन करेंगे। क्लिक ऑन करने के बाद वहां से आप सेलेक्ट करेंगे ओपन ऑप्शंस। ओपन ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ओपन डायलॉग बॉक्स विल बी शो, ओपन डायलॉग बॉक्स शो हो जाएगी। वहां से आप क्या करें, सेलेक्ट इट ऑल डॉक्यूमेंट्स फाइल, अगर आपकी कोई पुरानी फाइल्स बनी हुई है तो उसको सेलेक्ट करें, या सेलेक्ट फाइल नेम, जो भी फाइल आपकी बनी हुई उसको सेलेक्ट करें। उसके बाद सेलेक्ट इट ओपन ऑप्शन, फिर से सेलेक्ट ओपन ऑप्शन में क्लिक करें। आप वहां पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपकी फाइल जो है, योर ओन डॉक्यूमेंट्स फाइल विल बी अपेयर, तो आपकी फाइल जो है ओपन हो जाएगी। तो दोस्तों, चलते हैं फिर से इसे हम प्रैक्टिकल करके भी आपको दिखा दें। मैंने ऑफिस एमएस वर्ड को ओपन कर चुका हूँ। ऑफिस मेनू में क्लिक करेंगे, दूसरी ऑप्शन से ओपन बटन यहाँ पे क्लिक करेंगे। हम यहाँ से क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे किस बहुत सारे फाइल्स है, यहाँ से हम किसी भी फाइल्स को ओपन कर लेते हैं। जैसे आरा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे मैंने ओपन कर लिया। तो ये देखिए हमारी ओल्ड फाइल है, ये फाइल हमारी क्या हुई, ओपन हो गई। आप चलते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, किसी भी एमएस वर्ड फाइल्स में या एमएस वर्ड में किसी भी फाइल्स को सेव करना, वो सेव ऑप्शन में या सेव ऑप्शन कहलाता है। हाउ टू सेव ए फाइल इन एमएस वर्ड, हम लोग एमएस वर्ड के अंदर किसी भी फाइल्स को सेव कैसे करेंगे।
सबसे पहले क्या करना है, गो टू ऑफिस मेनू बटन, ऑफिस मेनू बटन में जाना है, वहां पे क्लिक ऑन कीजिए, क्लिक ऑन सेव ऑप्शन, सेव ऑप्शन को वहां पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक ऑन करेंगे, सेव ऑप्शन डायलॉग बॉक्स विल बी शो, आपकी सेव ऑप्शन डायलॉग बॉक्स खुल जाएगी। आपको सेविंग लोकेशंस, आपको एट फर्स्ट देखना है कि जो फाइल्स में सेव करना है वो कहाँ पे करना है। तो हम जो सेव करेंगे वो माई डॉक्यूमेंट्स के अंदर। उसके बाद राइट डॉक्यूमेंट्स फाइल नेम, आपको फाइल नेम्स देनी है, जैसे मैंने यहाँ पे ऑनलाइन फाइल नेम दिया है। देने के बाद आपको क्या करना है, क्लिक ऑन सेव बटन। जैसे आप क्लिक ऑन करेंगे सेव बटन में, तो नोट योर फाइल विल बी सेव इन माई डॉक्यूमेंट्स, आपकी फाइल क्या होगी, सेव हो जाएगी माई डॉक्यूमेंट्स में। तो दोस्तों चलिए हम सेव करके भी फाइल को दिखा दे रहे हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, कुछ टैक्स को हम लिख लेते हैं। चलिए मैंने कुछ टेक्स्ट लिख लिया। उसके बाद जाना है ऑफिस मेनू बटन में, यहाँ पे सेव ऑप्शंस होगी, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे देखें कि सेव, तो यहाँ पे दिस पीसी डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स के अंदर है हम, मैंने यहाँ पे फाइल नेम दे रहा हूँ ऑनलाइन, ऑनलाइन। जैसे ही आप ऑनलाइन फाइल नेम देंगे और यहाँ पे सेव में क्लिक करेंगे, तो आपकी फाइल जो है सेव हो जाएगी ऑनलाइन से नाम की, जो आप टाइटल बार में भी देख सकते हैं सबसे ऊपर में, ये आपकी नाम हो गई ऑनलाइन का, तो फाइल आपकी सेव हो गई। अब दोस्तों चलते हैं, जो फाइल मैंने सेव किया है उसी फाइल्स को हम सेव एज करेंगे। सेव एज का मतलब होता है उसी फाइल्स को सेव करना है अदर लोकेशन, किसी और जगह में। तो हाउ टू सेव ए फाइल इन एमएस वर्ड, सबसे पहले क्या करें, गो टू ऑफिस मेनू बटन में जाए, वहां पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपको क्लिक ऑन सेव एस ऑप्शन में जाना है, और सेव एस ऑप्शन डायलॉग बॉक्स भी आपके खुल जाएगी, सेव एस इन लोकेशंस। यहाँ पे आप क्या करें, जहां पे आपको सेव करना है उस लोकेशन को चूज करें। जैसे अगर आपकी कोई फोल्डर में रखना है फोल्डर कर सकते हैं, ड्राइव में रखना है ड्राइव कर सकते हैं, या डेस्कटॉप के ऊपर रखना डेस्कटॉप पर रख दीजिए। और राइट योर फाइल नेम, तो पहले जो मेरी फाइल थी वो ऑनलाइन नाम की थी, मगर अभी जो फाइल बन रही है ऑनलाइन कंप्यूटर ट्रेनिंग के नाम पे, तो ऑनलाइन कंप्यूटर ट्रेनिंग के नाम पे हमारी फाइल बन रही है। फाइल देंगे, उसके बाद यहाँ पे क्लिक ऑन कर देंगे। जैसे ही सेव बस में क्लिक करते हैं, तो योर फाइल विल बी सेव एज अनदर लोकेशन एंड प्लेस, तो आपकी फाइल जो है अदर लोकेशन और प्लेस में सेव हो जाएगी। जैसे चलिए हम करके दिखा दे रहे हैं, जैसे ही हमारी फाइल है ऑनलाइन नाम की बनी हुई, इसको हम सेव एज करते हैं। ऑफिस मेनू बटन में जाएंगे, यहाँ से सेव एज में क्लिक करेंगे। जैसे ही सेव एज में क्लिक करते हैं, तो आपको यहाँ पे राइट लेफ्ट साइड में खुल जाएगी कि आप किस में रखना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं डेस्कटॉप के ऊपर देख लेता हूँ, तो डेस्कटॉप को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऑनलाइन पहले से मेरी फाइल थी, सिर्फ यहाँ पे कंप्यूटर ट्रेनिंग दे रहे हैं, और यहाँ पे आप सेव कर दे रहे हैं। जैसे ही मैं यहाँ पे सेव करूंगा, तो आप देख रहे हैं जो पहले ऑनलाइन थी अब ऑनलाइन कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर हो गई है। हम इस फाइल्स को देख सकते हैं मिनिमाइज करके कहाँ पे, डेस्कटॉप के ऊपर। देखिए डेस्कटॉप के ऊपर हमारी फाइल बन के आई है ऑनलाइन कंप्यूटर सेंटर, इसको अपन ओपन कर रहे हैं, देखिए आपकी फाइल बन गई। अब दोस्तों हम चलते हैं पीपीआर ऑप्शंस पे। नेक्स्ट ऑप्शंस जो होती है वो होती है पीपीआर ऑप्शंस, और पीपीआर ऑप्शंस का काम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जैसे कि आपकी कोई एमएस वर्ड में फाइल्स है, और उस फाइल्स में आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, पासवर्ड लगाना चाहते हैं कि हमारी जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट्स कोई और ना देख ले, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। तो प्रोटेक्ट जो करेंगे वो पीपीआर ऑप्शंस के माध्यम से करेंगे। हाउ टू प्रोटेक्ट ए फाइल विथ पासवर्ड इन एमएस वर्ड फाइल, हम लोग एमएस वर्ड फाइल्स को प्रोटेक्ट करेंगे पासवर्ड के माध्यम से। तो दोस्तों चलिए करते हैं आज। सबसे पहले आप क्या करें, गो टू ऑफिस मेनू बटन में जाएं, वहां पे क्लिक ऑन कर दे, क्लिक ऑन प्रिपेयर ऑप्शंस। उसके बाद फिर क्लिक ऑन करें, राइट साइड में आपको इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट्स होगी, वहां पे आप क्लिक ऑन कर दीजिए। अब वहां पे क्लिक ऑन करने के बाद आपको प्रोटेक्ट पासवर्ड फाइल विल बी शो ऑफ होगी, खुलेगी, शो ऑफ खुलेगी। वहां पे आपको पासवर्ड देनी है, तो पासवर्ड मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ABC दे दिया, आप ओके कर दीजिए। फिर से आपसे पूछेगी री एंटर पासवर्ड, तो जो पासवर्ड आपने दिया था सेम वो पासवर्ड फिर से फिल कर दे। करने के बाद आप क्लिक ऑन ओके बटन, आप ओके बटन में क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद नो, यहाँ इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे समझना है। सबसे पहले क्या करें, गो टू क्लोज विंडो, क्लिक ऑन एक्स, जैसे राइट साइड में जाना है टॉप में ऊपर में, और यहाँ पे देखिए क्लोज है, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो सेव विल बी शो, सेव बॉक्स खुलेगी, वहां से आपसे पूछेगी सेव इन लोकेशन, जहां पे आपको लोकेशन रखना है रख लीजिए, माई फोल्डर में रखना है या ड्राइव में रखना है या डेस्कटॉप के ऊपर। उसके बाद आप राइट डॉक्यूमेंट्स एंड फाइल नेम्स, तो मेरी फाइल्स ऑनलाइन कंप्यूटर ट्रेनिंग नाम से है, तो उसको आप दे दीजिए, और वहां पे क्लिक ऑन कीजिए। जैसे आप क्लिक ऑन करते हैं, तो योर फाइल एंड डॉक्यूमेंट्स विल बी प्रोटेक्ट योर पासवर्ड। तो दोस्तों चलिए हम करके दिखाते हैं।
जैसे मान लीजिए ये हमारी फाइल है, हम एक न्यू पेज ले लेते हैं, न्यू फाइल ले लेते हैं। मैंने न्यू फाइल ले लिया, यहाँ पे मैंने कुछ टाइप कर दिया, टेक्स्ट को टाइप कर दिया। टाइप करने के बाद आपको कहाँ जाना है, ऑफिस मेन बटन, वहाँ से प्रीपेयर में आइए, प्रीपेयर के बाद इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट से वहाँ पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे बोल रहा है आपको पासवर्ड देने, तो आप पासवर्ड दे दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ABC। ओके, आप फिर से दे दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ABC। देने के बाद आप ओके कर दीजिए। जैसे ओके कर दिए, करने के बाद आपको क्या करना है, राइट साइड में जाना है, क्लोज विंडो में यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपसे पूछेगा डू यू वांट टू सेव द चेंज डॉक्यूमेंट्स, तो यहाँ पे आपको एस करनी है। आप यहाँ पे देखिए आपको जहाँ पे सेव करना है, आप मान लीजिए डेस्कटॉप के ऊपर सेव करना है तो डेस्कटॉप को सेव कर लीजिए, नहीं तो आप किसी भी फोल्डर को भी ले सकते हैं डेस्कटॉप के लिए। उसके बाद मैंने यहाँ पे फाइल नेम दे दिया, पास वर्ड ऑनलाइन कंप्यूटर ट्रेनिंग नाम का, और यहाँ पे मैंने सेव कर दिया। तो देखेंगे कि आपका जो फाइल है ऑनलाइन कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर का, वो सेव हो गई होगी विथ पासवर्ड के माध्यम से। तो देखिए दोस्तों, डेस्कटॉप में हमारा जो फाइल बन गई है पासवर्ड ऑनलाइन कंप्यूटर सेंटर के नाम से, यहाँ पे आप क्लिक कीजिए। आप जब क्लिक करेंगे तो आपसे यहाँ पे एक पासवर्ड खोलिए, पासवर्ड मांग रही, तो आप यहाँ पे पासवर्ड दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ABC और ओके करेंगे। जैसे ही आप ओके करेंगे तो आपका फाइल खुल जाएगी विथ पासवर्ड। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। इसी तरह का वीडियो लेकर मैं कंटिन्यू आता रहूँगा जब तक लॉकडाउन है, तो आप मेरे साथ जुड़े रहें और साथ ही साथ शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। खुश रहे आप, आपका परिवार, दुआ में याद रखिएगा आपका सांसद। धन्यवाद।